जिन्होंने हमारी बेटियों के साथ में ऐसे घिनौनी हरकतें करने की जो कोशिश करी है, हिम्मत जुटाइए। अगर नैतिकता बची है सरकार के अंदर तो उनको तुरंत उनको बर्खास्त करें और हाई लेवल की मीटिंग की जो है इंक्वायरी जो स्टार्ट करें। अगर वाकई सरकार अपने आप को बोलते हैं मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो यहाँ पर बेटियों का एक सवाल का है, पूरा देश आपसे पूछता है मोदी साहब, अगर आप वाकई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अपने आत्मा से लगाया, अगर जुमला छोड़ा तो अलग बात है, अगर सही अपने आत्मा से ये नारा दिया है तो आज जरूरत है। हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, हमारी पहलवान जो बेटियां हैं, उन्होंने जो बात कही है, उनका जो है एक जौन शोषण जिस प्रकार से उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना होती है, ऐसे लोगों को देन एंड देयर हाई लेवल उसकी मीटिंग करके और उसकी जांच करके उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि पूरा देश मोदी का जो है मुरीद हो जाए। मोदी साहब आपसे अपील करते हैं और हम आपको बड़ा विश्वास करते हैं, अगर वाकई मर्द है तो ये करके दिखाइए आप, अन्यथा कोई आपको मर्द नहीं कहेगा। बेटियों का सवाल है यहाँ पर, खिलाड़ियों का सवाल है। तो देखा आपने किस तरह से रिटायर्ड जो सैनिक हैं आर्मी के, उनमें कितना गुस्सा भरा हुआ है इस खबर को लेकर। एक और सर हमारे साथ मौजूद है, सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है, मैं एपीटीसी कोर से रिटायर हूं और मैं स्पोर्ट्स के अंदर ही रहा हूं। हमारा जो कोर है सेना के अंदर वो स्पोर्ट्समैन को ही सपोर्ट करता है, खेलों को ही के नाम प्रभावित करता है। तो मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पुणे से आया हूं, अभी हमारा प्लेटिनम जुबली थी और मैं वहां से पुणे से आया हूँ, साहब ने मुझे रिंग किया, मैंने कहा साहब मैं तुरंत आ रहा हूँ और मैं तुरंत तैयार था, क्योंकि अरे ये नेता लोग तो हरामखोर है, ये देश के अंदर देश का भलाई के लिए कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकते। हरामखोर हमारी बहन बेटियों का शोषण करते, इससे घिनौना और क्या हो सकता है। इस देश के अंदर ऐसा पूरी दुनिया के अंदर भीम जैसे महाबली योद्धा थे, उन्होंने जो इस विश्व के अंदर हमारे देश की पताका फहराई थी, और ये हरामखोर जो है हमारी बहन बेटियों का जो नाम करने जा रही उनका शोषण करके, ऐसे लोगों को सीधे फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हरियाणा के एक संदीप सिंह है, खेल मंत्री है, उसने भी आशा नाम की बेटी के साथ कैसी घिनौनी हरकत, ऐसे ये मंत्री और संतरी के लायक भी नहीं है, मंत्री तो दूर की बात है, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए सीधा। हम फांसी की मांग करते हैं। मोदी जी आपके सत्ता में क्या हो रहा है, हम आप पर यकीन करते थे क्योंकि आप संघ के स्वयं सेवक रह चुके हैं, मैं भी प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, स्वयं सेवक मैं भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं होता, संघ के अंदर ये नहीं शिक्षा दी जाती और आपके मंत्री ऐसा कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आपकी नींद नहीं खुली, उधर हरियाणा में खट्टर है उसकी नींद नहीं, वो बोलता है ये अनर्गल बातें हैं, ऐसी बातों से हमें नफरत होती है। ऐसे एक वो भी एक संघ में रहा है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जो एक बहन बेटी की, हमारे भारत के अंदर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इतास्तु न पूजन्ते सर्वास्तु फैला क्रिया, हमारी बहन बेटियों के लिए तो ये सत्ता में और ये ऐसे घिनौनी हरकत, हम इनके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन जैसे मनमानी जैसे की अगर बाई चांस कोई खिलाड़ी ऊंच लेवल में मेडल ले गया, कोई प्राइवेट कंपनी है जो उससे कुछ अपनी करना चाहती है, स्पॉन्सर करना चाहती है, वो भी नहीं करने देंगे, वो भी उनके माध्यम से करेंगे। यानी कि किसी बच्चे को कोई कंपनी अगर ऊपर उठाना चाहती है, पैसे से कोई उसको प्रोत्साहन देना चाहती है, उसको भी नहीं करने देना, ना खुद सपोर्ट करते हैं, खुद ना सपोर्ट करते हैं ना करने देते हैं कंपनियों को। कुल मिलाकर के ये हमारे खिलाड़ियों का बहुत ही बड़ा शोषण है और इसमें फेडरेशन जो है बिल्कुल गलत काम करी, इसको तुरंत जो हटाना चाहिए तुरंत। मैंने एशियाड 82 में हौलदार गिरवर सिंह थे 9 पैरा कमांडो से, उनको तैयार किया, एशियाड 82 में उसने सिल्वर मेडल लिया है, एशियाड 82 में यही दिल्ली में हुआ था, और वो वहां तक पहुंचाने में मेरा हाथ था, मैं उसका कोच रहा हूं, और वहां एशिया का सिल्वर मेडल उसने जीता है, कोरिया वाले के साथ फाइट थी, हालांकि हाइट से कम थे उनसे, लेकिन फिर भी हो गया, कहीं उनको पंच लगा और वो थोड़ा सा। बाकी ये है कि इस राजनीति में खेल के बारे में तो कोई राजनीति करना ही नहीं चाहिए, खेल के लिए तो जो प्रतिभाशाली है उसको आगे भेजना चाहिए, और ये नेता तो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा बेटा आगे चला जाए चाहे वो कुछ भी आता नहीं हो, ये इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, चाहे फेडरेशन हो, फेडरेशन में भी अपने रिलेटिव को सपोर्ट करते हैं ज्यादातर, क्यों करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश का नाम ऊंचा करना है, नरेंद्र मोदी जो है भारत का पूरा विश्व में नाम कमा रहे हैं, बोलबाला हो रहा है, तो इसको क्या है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो विचार करना चाहिए ऐसे लोगों के, जो फेडरेशन में बैठे। अभी मैं ये कहता हूँ, हमारे मोदी ये गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को आईपीएल के लिए सेलेक्ट कर दिया, क्या वो बेटा उतनी योग्यता रखता है,
बीसीसीआई का अध्यक्ष जो चुन दिया, क्या वो उतनी योग्यता रखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। इन मंत्री को, नेताओं को, इनको मैं कहता हूँ खरा तोड़ना चाहिए। अगर सक्षम है तो दीजिए उनको जगह, अगर नहीं है तो उनको उतार कर फेंकिए उनको। मैं यहाँ अपने देश की जो प्रतिभा है और रेसलर है, जो खिलाड़ी है, उनके नाम रोशन किया, इनके समर्थन में हम यहाँ आए हुए। और जब हम ये न्यूज चैनल में न्यूज देखा तो हमें एक शॉक लगा, बहुत बड़ा झटका लगा कि हमारे देश की प्रतिभा के साथ में इतना बड़ा अन्याय जो असहनीय है। और खिलाड़ियों में ज्यादातर हमें ये देखा गया है कि हमारे गरीब मजदूर किसान गांव से आए हुए बच्चे होते हैं, और इन बच्चों की अपनी एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, सामाजिक दायरा होता है, और उस सामाजिक दायरा के अंदर इनका जो ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश, यानी दूसरी भाषा में कहा जाए कि उनका शोषण किया जाने की कोशिश, जो कि एक असहनीय है, इसे देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं देश से अपील करना चाहूंगा कि जिसको भी ये खबर मिलती है, जो भी जहां पर भी है, सबको देश को जो है इनके साथ खड़े होना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। और इस तरह के जो गंदे नेता हैं, जो फेडरेशन में गंदे लोग बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए और इनको वहां फेडरेशन से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। फेडरेशन के अंदर जैसे रेसलर है तो कोई रेसलर का फेडरेशन है तो रेसलर का ही बैठना चाहिए, क्रिकेट का है तो कोई क्रिकेटर ही बैठना चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, जिस भी स्पोर्ट्स का जो फेडरेशन है उस फेडरेशन का अध्यक्ष उस स्पोर्ट्स का ही कोई मेंबर बैठना चाहिए, जिसको जानकारी है कि क्रिकेट क्या है या रेसलिंग क्या है या उसके नियम क्या है, कायदा क्या है, उनका खान पीन क्या होना चाहिए, उनका रहन सहन क्या होना चाहिए, उनकी मान मर्यादा, उनकी इज्जत क्या होना चाहिए, जो खुद एक खिलाड़ी रह, जो एक खिलाड़ी रह चुका वो उससे बेटर समझता है और बेटर उसके रेस्पेक्ट करेगा, उनकी इज्जत करेगा, उनको संसाधन मुहैया कराएगा, उनको प्रमोट करने की कोशिश करेगा जो योग्य है। अयोग्य लोग यहाँ तो जो नेता लोग बैठ जाते हैं वो अयोग्य लोगों को आगे पर भेज देते हैं, जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि जो हम अमित शाह का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष बन के बैठा हुआ, जब उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिफाई नहीं है, उसको पता ही नहीं है, क्रिकेट देख देख के भले सीख गए हो कि जो है एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, बाकी क्या उनको पता है, लेकिन एक जो क्रिकेटर रहा होगा उसको जितना पता होगा उतना थोड़ी पता है। इसी तरह रेसलिंग में जो सांसद साहब बैठे हैं फेडरेशन के अध्यक्ष बन के और शोषण कर रहे हैं, क्या पता है नहीं लगा कि कोई गलत काम नहीं कर सकता है, लेकिन फेडरेशन के अंदर जो खिलाड़ियों के लिए काम करने के तौर तरीके हैं वो जितना बेटर खिलाड़ी समझ सकता है वो एक नेता नहीं समझ सकता। इसलिए फेडरेशन का मेरी डिमांड यही है, मेरी मांग यही है कि जो फेडरेशन किसी भी फेडरेशन का जो है अध्यक्ष का वो खिलाड़ी होना चाहिए, कोई नेता नहीं होना चाहिए। और उनको अगर हमको देश में गोल्ड मेडल लेके आना है, सिल्वर मेडल लेकर के आना, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आना है, तो हमें खिलाड़ियों को संसाधन देने पड़ेंगे, उनको सुविधाएं देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी वो गोल्ड ले जाएंगे। अगर वहाँ जो बजट जाता है वो बंदर बांट कर लेते हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं, तो ऐसे खिलाड़ी कैसे गोल्ड में आए? उम्मीद हम लोग बहुत करते हैं, ऐसे कैसे उम्मीद करना हमारा गलत है, खिलाड़ियों से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल नाजायज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।